महावीर स्वामी जैसे अद्वितीय व्यक्तित्व के पीछे चलने का परिणाम क्या हुआ? हमारे जैन भाई बहन मैं नहीं हम की भावना लेकर जीते हैं। चमन में रंग और खुशबू मिले तो बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। त्याग और परोपकार में जैन समाज की बराबरी शायद ही दुनिया में कोई कर पाए। कुछ आंकड़े बताता हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे देश में लगभग 16,000 गौशालाएं हैं जहां गाय की सेवा मां की तरह की जाती है। इनमें से 12,000 गौशालाएं जैन समाज संचालित करता है। देश में होने वाले कुल दान का लगभग 62% हिस्सा भगवान महावीर के यही अनुयायी दान करते हैं। देश के कुल इनकम टैक्स में जैन समाज की हिस्सेदारी लगभग 24% 24% है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो हमारे देश के विकास में जैन समाज का योगदान लगभग 25% है, जबकि जैनों की कुल गिनती सिर्फ 0.37% यानी आधे प्रतिशत से भी कम है। नमन है भगवान महावीर स्वामी के इन संतानों को, नमन है भगवान गोमतेश्वर बाहुबली के इन बेटे बेटियों को, जिन्होंने इतनी कम गिनती में होने के बावजूद कभी माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेला, अपने अल्पसंख्यक होने का रोना नहीं रोया, बल्कि पूरे देश में मुस्कुराहटें बांटी। जैनों ने कभी अपनी संख्या को हथियार बनाकर कोई अनुचित मांग नहीं की, कभी यह शोर नहीं मचाया कि मेजॉरिटी वाले उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं समझता हूं दुनिया की हर माइनॉरिटी को स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम हमारे जैन भाइयों बहनों से सीखना चाहिए। देश को दोनों हाथों से दिया और बदले में मुट्ठी भर भी वापस नहीं मांगा। आने वाले दिनों में भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बना, जो कि जरूर बनेगा, तो उस चिड़िया के पंख हमारे जैन भाइयों और बहनों के आभारी रहेंगे।